Hello students, in the last lectures we have studied about the direct radiating type of loudspeaker. Today we will discuss about the horn type of loudspeaker. Initially I have told you when we were discussing about the loudspeaker characteristics, I have told you there are two types of loudspeaker. First one is direct radiating type loudspeaker and second one was indirect radiating type loudspeaker. So direct radiating type loudspeaker जिसमें कि आपने cone type loudspeaker पढ़ा था and electrodynamic loudspeaker पढ़ा था. Next one is indirect radiating loudspeaker. Indirect radiating loudspeaker का ही एक part है, उनको ही हम horn type loudspeaker भी कहते हैं. So today we will discuss about the horn type loudspeaker. Okay? So first one, what is horn type loudspeaker? What is its principle? Horn type loudspeaker use a moving coil placed in a magnetic field. ठीक है, जैसे कि आपका पहले कोन टाइप लाउड स्पीकर पढ़ा था, इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर पढ़ा था, सिमिलर वे आपका जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर है वो भी क्या यूज करता है, एक मूविंग कॉइल को यूज करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में यूज कर रखी होती है. बट इसमें क्या होता है, पहले वाली केसेस में जो आपकी डायरेक्ट रेडिएटिंग थी उसमें क्या होता था, आपका जो आउटपुट में जो एकॉस्टिक पावर आती थी वो सीधे इस ओपन स्पेस में चली जाती थी, लिसनर्स के पास डायरेक्टली चली जाती थी. ऐसा आपका हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर में नहीं होता. हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर में क्या होता है, हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर में जो आपकी वॉइस जनरेट होगी, साउंड जनरेट होगी, सीधे डायरेक्टली स्पेस में रेडिएट होने के बजाय ये आपकी जो साउंड है पावर को, साउंड पावर को हॉर्न के अंदर हम ट्रांसमिट करते हैं, डिलीवर करते हैं हॉर्न के अंदर. ठीक है, और हॉर्न आपका बेसिकली हॉर्न शेप सभी ने पता ही है, हॉर्न शेप के अंदर हॉर्न के मीडियम से ये जो एकॉस्टिक पावर होती है वो लिसनर्स के पास जाती है. तो ये इनडायरेक्टली आपके पास जाती है, सीधे जो साउंड वेव जनरेट होगी वो पहले एक हॉर्न में जाएगी और हॉर्न से सीधे फिर आपके लिसनर्स के पास जाती है. ठीक है, तो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर में साउंड पावर डायफ्राम से सीधे स्पेस में रेडिएट ना होकर हॉर्न में जाएगा और हॉर्न से फिर आपका हॉर्न से आपका स्पेस में होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर. ओके, एंड इट रेडिएट्स साउंड पावर टू एयर इन स्पेस, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द डायफ्राम बट इनडायरेक्टली थ्रू द हॉर्न. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, हम इसे इनडायरेक्टली क्यों रेडिएट कर रहे हैं, डायरेक्टली रेडिएट करने से क्या ड्रॉबैक्स है. बेसिकली इनडायरेक्टली रेडिएट करने से आपके हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर्स की एफिशिएंसी काफी इंक्रीज हो जाती है. अगर आप डायरेक्टली जो आपके कोन टाइप लाउड स्पीकर थे उसकी जो एफिशिएंसी थी दैट वाज बिलो देन 5%, एंड जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर होता है उसकी एफिशिएंसी 40% होती है. तो आप ये देखिए 5% से 40% तक एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जा रही है. ठीक है, तो ये आपका हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर है. रीजन आपको मैंने बता दिया कि हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर को हम इनडायरेक्ट रेडिएटिंग लाउड स्पीकर भी क्यों कहते हैं. कंसेप्ट बिल्कुल सेम है एज लाइक एज प्रीवियस केस, कि आपको जो मूविंग कॉइल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी एक मैग्नेट में, बट उसमें जो साउंड जनरेट होगी, साउंड डायरेक्टली स्पेस में रेडिएट ना होकर डायफ्राम से जो भी साउंड जनरेट हो रही है वो पहले आपके हॉर्न में जाएगी और हॉर्न से फिर आपकी लिसनर्स के पास जाएगी. तो बीच में एक मीडियम आ गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रेडिएटिंग लाउड स्पीकर. हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर एक्ट्स एज एन एकॉस्टिक ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग. ये आपका एकॉस्टिक ट्रांसफॉर्मर का तरह बिहेव करता है. बेसिकली इट अलाउज बेटर इम्पीडेंस मैचिंग बिटवीन लो इम्पीडेंस ऑफ फ्री एयर एंड द हाई इम्पीडेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग वॉइस कॉइल. ओके, तो ये आपकी जो आपका एयर का लो इम्पीडेंस होता है उसके बीच में और जो वॉइस कॉइल है उसके हाई इम्पीडेंस, दोनों के बीच में आपका एक मैच करवाता है. इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एकॉस्टिक ट्रांसफॉर्मर. ड्यू टू दैट इट्स हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर की इफिशियंसी काफी इंक्रीज हो जाती है. बट इट्स हैज वन अदर ड्रॉबैक, दैट इट्स साउंड इज जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज नॉट नेचुरल. जो आपके कोन टाइप लाउड स्पीकर थी, इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर थी, उनमें जो वॉइस जनरेट होती थी, साउंड जनरेट होती थी, दैट इज नेचुरल एंड इन दिस बट एफिशिएंसी इज इंक्रीज एंड बट वॉइस इज नॉट नेचुरल. ओके, सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर. नाउ व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन. ठीक है, दिस इज द बेसिकली डायग्राम ऑफ हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर. ओके,
अब इस हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर में आप देखें तो क्या देंगे, ये बेसिकली एक टेपर्ड इंक्लोजर है, ठीक है, आपको टेपर्ड इंक्लोजर है जिसमें अगर आप देखें कि लेफ्ट साइड पे जो डायामीटर है वो कम है, दैट इज कॉल्ड योर थ्रोट, एंड राइट साइड पे डायामीटर आपका इंक्रीज होता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड माउथ ऑफ द हॉर्न। एंड अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते जो डाया थ्रोट है, थ्रोट के और एक डायफ्राम भी है, तो दोनों के बीच में बेसिकली एक एयर चैम्बर रहता है, ठीक है, और ये चैम्बर बेसिकली आपका जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स होते हैं उस चैम्बर में साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर का स्ट्रक्चर है। तो हॉर्न इज ए टैपर्ड इंक्लोजर हुज डायमीटर इंक्रीज फ्रॉम ए स्मॉल वैल्यू, जो कि स्मॉल वाले पार्ट को हमने क्या कहा था, थ्रोट, टू ए लार्ज वैल्यू एट द अदर एंड, दैट इज कॉल्ड योर माउथ। अब दिस इज द प्रैक्टिकल जो आपने सभी ने हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर सभी ने देखे होंगे, नॉर्मली देखा होगा जब भी अनाउंसमेंट्स होती है या कोई भी पब्लिक गैदरिंग होती है और जहाँ पर जो लाउड स्पीकर यूज किए थे, ये बहुत पुराने स्टाइल वाले लाउड स्पीकर है, सभी ने देखे होंगे। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर। एयर चैम्बर होता है वो भी मैंने आपको बताया, थ्रोट और डायाफ्राम की, और वहां पर ही अगर आप देखें ड्राइवर यूनिट भी लगी हुई है, एक यूनिट लगी हुई है ना, तो ये जो ड्राइवर यूनिट है इस इज सिमिलर टू डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप, एक्सेप्ट दैट कि वहां पर आपको कोई भी पेपर कोन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बेसिक डायग्राम दिखा दिया, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होगी। सो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर की वर्किंग क्या होगी, नाउ वी हैव टू सी दिस वन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट्स प्रिंसिपल, इट्स स्ट्रक्चर। सो अभी मैंने आपको बताया था कि हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर का जो प्रिंसिपल होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है जो हमारा कोन टाइप लाउड स्पीकर का। अब अगर हम देखें कि हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर में क्या होता है, एक वॉइस कॉयल होती है, ठीक है, वॉइस कॉयल जो आप में करंट जनरेट होती है और उसकी वजह से उसकी वहां पर वॉइस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एंड ऑलरेडी वहां पर एक मैग्नेट है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, तो आपके पास दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड हो गए, जो वॉइस कॉइल से जनरेट हो रहा है, एक मैग्नेट से। अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो उस इंट्रैक्शन से क्या होता है, वॉइस कॉइल में वाइब्रेशन आ जाते हैं, ठीक है, वॉइस कॉइल स्टार्ट टू वाइब्रेट, एंड जो वाइब्रेट होती है इट्स लाइक एज एन स्प्रिंग टू एंड फ्रो डायरेक्शन में, ठीक है। अब उस ये जो वॉइस कॉइल में वाइब्रेशंस आते हैं तो उससे आपका क्या, वाइब्रेशंस किस पे जाते हैं, उससे आपके वाइब्रेशंस डायाफ्राम को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड डायाफ्राम स्टार्ट टू वाइब्रेट। अब ये जो हमारा जो हॉर्न टाइप के अगर आप देखें स्ट्रक्चर किस तरीके से, थ्रोट पर क्या होता है डायामीटर काफी कम है एंड माउथ पर डायामीटर काफी ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो थ्रोट है, थ्रोट पर आपका डायमीटर कम होने की वजह से प्रेशर सबसे मैक्सिमम आपका थ्रोट पर रहता है और माउथ पर प्रेशर कम होता जाता है, जैसे जैसे डायमीटर आपका बढ़ता जाएगा प्रेशर कम हो जाएगा, एंड प्रेशर कम होता जाएगा एंड जो आपका डायफ्राम वाइब्रेट करने लगता है, उस वाइब्रेट डायफ्राम के वाइब्रेशन से क्या होगा, आपकी साउंड जनरेट होने लगेगी और वो पावर सीधे एयर स्पेस में इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होगी एंड आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो मिलेगा आपका साउंड सिग्नल। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ये आपका हॉर्न टाइप लाउड स्पीक है, इट वर्क्स एज एन एकस्टिक ट्रांसफॉर्मर, एंड एकस्टिक ट्रांसफॉर्मर की वजह से ही इस हॉर्न टाइप लाउड स्पीक की इफिशियंसी काफी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये आपका हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर की वर्किंग थी, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्न टाइप लाउड, इट्स एफिशिएंसी इज गुड, इनफैक्ट मोर देन 40%, SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो मोर देन 40 dB, एंड फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स इट्स
प्लस पॉइंट इज ऑलमोस्ट फ्लैट, जो आपकी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की है, एंड जो इसमें ऑलमोस्ट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो फ्लैट मिलता है वो आपका 20 से लेकर 10 किलो हर्ट्ज के बीच में फ्लैट मिलता है, एंड इट हैज़ वेरी लेस डिस्टॉर्शन, डायरेक्टिविटी इज ऑल्सो गुड, इट्स एन ओमनी डायरेक्शनल, एंड इनपुट इम्पिडेंस इज 15 ओम एंड इट्स वेरी लेस. ओके, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर. Now, till now, we have discussed all type of loudspeaker, direct radiating type, that is called also phone type loudspeaker, and indirect radiating type. So, what is the difference between them? So, there are many differences. I think we can do this topic by ourselves. You people can do this topic by yourself. मैं आपको roughly थोड़ा सा idea दे देती हूँ कि किस-किस points में difference हैं आपके. तो सबसे पहला तो आपको अगर हम इसमें देखें तो इफिशियंसी के टर्म्स में, जो डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर होते हैं उनकी इफिशियंसी काफ़ी कम होती है, जो इनडायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप के लाउड स्पीकर हैं उनकी इफिशियंसी काफ़ी हाई होती है. अनदर थिंग इन टर्म्स ऑफ, वी कैन गो इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर होते हैं उनका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इज मच बेटर देन डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप. अनदर थिंग SNR जो इनडायरेक्ट का है वो 40 dB एंड मोर देन अबव है, एंड जो डायरेक्ट का है वो मैक्सिमम 30 dB है. ओके, एंड जो आपकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो इनडायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर्स की ज़्यादा होती है रादर देन डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर. एंड अपार्ट दैट, इसके अलावा हमारे और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका इम्पिडेंस मैचिंग. इम्पिडेंस जो आपका होता है इनडायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप का 16 ओम है, और जो आपका डायरेक्ट रेडिएटिंग का है 2 से 32 ओम का है. अपार्ट दैट, अगर हम डायफ्राम के वेट के टर्म्स में जाएं तो ये लाइट होता है, इसमें एल्युमिनियम का होता है थोड़ा सा इनडायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप में, और जो उसमें होता है इनडायरेक्ट में उसमें कोई भी पेपर कोन नहीं होता है. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रेडिएटिंग एंड इनडायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर्स. ठीक है, तो ये एंड अपार्ट दैट हम साइज कॉस्ट के टर्म्स में बात करें तो साइज आपका डायरेक्ट रेडिएटिंग का कॉम्पैक्ट होता है, और जो इनडायरेक्ट हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है. बट अगर हम कॉस्ट के टर्म में बात करें तो कॉस्ट आपका कॉस्ट इफेक्टिव आपका डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर है, और जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर है वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है. दैट्स द ओनली मेन ड्रॉबैक ऑफ हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर. जिसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, जो कौन टाइप लाउड स्पीकर्स हैं, नॉर्मली टीवी, रेडियो रिसीवर्स, रिकॉर्ड प्लेयर्स, जो भी कैसेट्स, जो भी जहाँ पे स्मॉल गैदरिंग है वहाँ पर हम ये कौन टाइप लाउड स्पीकर यूज़ कर लेते हैं. बट जहाँ पर पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम यूज़ करना, मीन्स लार्ज गैदरिंग है, लार्ज ऑडियंस है, साइज नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है, स्टेडियम है, या यहाँ पर भी ऑडिटोरियम है, म्यूजिक शोज होते हैं, वहाँ पर हमें हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर ही यूज करना पड़ता है. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर. ओके, सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द लाउड स्पीकर्स. टिल नाउ वी हैव ऑलमोस्ट कवर आवर फर्स्ट यूनिट, देयर आर ओनली वन और टू टॉपिक्स लेफ्ट, सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लासेस, एंड किसी को भी कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस इट. थैंक यू स्टूडेंट.